सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ में अब भाई शादी में शामिल करवाने के लिए चिराग करेगा दीपिका का मेकओवर। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलता है कि बहुत ही बड़ी कुर्बानी देते नजर आती है दीपिका जानवी की खातिर, क्योंकि लवण्या ने यही शर्त रखी होती है कि दीपिका इस शादी में और उसके सामने कभी भी जिंदगी में नहीं आएगी। चिराग यहाँ पर जब पहुँचता है दीपिका से माफ़ी मांगने के लिए, उसकी माँ ने ऐसा बर्ताव किया और ऐसी शर्त रखी लेकिन उसे ये मानना नहीं चाहिए था, लेकिन दीपिका कहती मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चिराग कहता है लेकिन आपका दिल जितना खूबसूरत है वो दुनिया कभी नहीं देख पाएगी इस कलर को जज करने की वजह से। वहीं पर वो दुखी भी होती है और कहती है कि मैं सब बहुत जानवी के लिए बहुत खुश हूँ लेकिन मुझे दुख भी है कि मैं उसकी शादी में कभी शामिल नहीं हो पाऊंगी। और चिराग कहता है आप जरूर शामिल होंगी, आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। और देखने को मिलता है कि लवण्या के ही सैलून में, जहाँ पर लवण्या के ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है, उसी में लेकर जाता है चिराग, कर देता है दीपिका का पूरी तरह से मेकओवर शादी में शामिल करवाने के लिए। जब मेहमानों के बीच में दीपिका एंट्री करती है फंक्शन, शादी के फंक्शंस में, तो उड़ जाते हैं सबके होश। जानवी भी उसके सामने फीकी लगती है और लवण्या के भी होश उड़ जाते हैं और सब पहचान भी नहीं पाते हैं ये दीपिका है। इसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाता है चिराग सबके सामने माइक लेकर और कहता है कि आप अब स्वागत कीजिए दुल्हन की बहन का, जिसके बाद ने उड़ जाते हैं सबके होश और लवण्या भी शॉक्ड रह जाती है और लवण्या को लगता है ये उसको क्यों इन्वाइट कर रहा है। लेकिन जैसे ही दीपिका यहाँ पर एंट्री करती है सबके सब शॉक्ड रह जाते हैं और बजता है म्यूजिक और सबके सब मेहमानों का दिल जीत लेती है दीपिका। और लवण्या को चिराग कहता है आपने कहा था कि वो आप उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहती जो अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन आज के आपके ही प्रोडक्ट्स का कमाल देखिए मामा, जीता जागता सबूत है ये दीपिका जी। जिसके बाद लवण्या कुछ नहीं कर पाती, देखना दिलचस्प हो किस तरह से आगे की रश्में अब यहाँ पर जो है चिराग और दीपिका की शादी की भी शुरू होगी जाने अनजाने में।